वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी गिवन है ठीक है यहां देख लो पहली, वर्ड में दे रखा है तो वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी गिवन है उसके बाद क्या है पेज टेबल एंट्री साइज गिवन है निकल जाएगा ना सिंपल है ओके तो क्या करेंगे एल एस निकालेंगे एल एस कितना है आपका टू पावर थर्टी टू डिवाइड बाय क्या होगा डिवाइड बाय पेज साइज तो ये कितना है आपका ये कितना होगा ये होगा आपका पेस्ट पेस्ट साइज की टू पावर टू और किलो मतलब टू पावर ट्वेल्व मतलब टू पावर टेन तो टू पावर ट्वेल्व हो गया ना और किलो वर्ड्स में ये भी वर्ड्स में ही आएगा तो वर्ड्स नहीं लिखता हूं यहाँ चलो लिख लो वर्ड्स ठीक है ना वर्ड्स में तो वर्ड्स वर्ड्स कैंसिल बेस से में तो क्या होगा सब्सट्रेक्शन परफॉर्म होगी कितना आएगा टू पावर ट्वेंटी राइट ओके टू पावर ट्वेंटी क्या है पेज टेबल के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो है टू पावर ट्वेंटी नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल और नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ पेजेस या फिर नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ को मैं हैश ऑफ लिख रहा हूं हैश मतलब नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू पावर ट्वेंटी ठीक है तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितने होंगे टू पावर ट्वेंटी हर एक एंट्री का साइज क्या है वन वर्ड तो कितना होगा

ठीक है और हो सकता है आपको वन मेगावर्ड की जरूरत भी ना हो आपको एक पेज एंट्री करनी हो तो इसके अंदर क्या है ये क्या है आपके नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी ना? कितनी होंगी जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे हर एक एंट्री क्या है एक पेज को डिनोट करेगी ना राइट right? okay. तो ओके तो कितने नंबर ऑफ पेजेस कितने आपके टू पावर ट्वेंटी तो जीरो टू वन टू थ्री अब टू गोस टू कितना आएगा यहाँ लास्ट में टू पावर ट्वेंटी माइनस वन राइट ये क्या है पेज टेबल आपकी इतनी बड़ी तो अब साइड में नोट करके लिखिए इतनी बड़ी पेज टेबल को मेन मेमोरी में लाने का फायदा है क्या आपको एक पेज एक्सेस करना है उसके लिए आप पूरी इतनी बड़ी मेमोरी मतलब इतनी बड़ी पेज टेबल को मेन मेमोरी में ला रहे हैं जबकि आपकी मेन मेमोरी बहुत छोटी है यहाँ तो मेन मेमोरी हो सकता है ना बहुत छोटी इतनी बड़ी हमेशा के हमेशा के लिए इतनी बड़ी मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी सिर्फ पेज टेबल के कारण राइट right? ओके okay. तो अब इसके अंदर इसका सॉल्यूशन क्या है इसमें क्या कर सकते हैं हम दो केस हैं या तो पेज साइज बढ़ा दो तो नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो जाएंगी या फिर पूरी टेबल को लाने के बजाय हम एक पेज को लाएं मतलब हम इस टेबल के ऊपर भी एक बार पेजिंग अप्लाई करें और फिर एक पेज को लाएं सिंपल एक सिर्फ एक पेज को लाएं मतलब 2 पावर 20 की जगह लाने के बाद ना इसके ऊपर एक बार पेजिंग अप्लाई करें ठीक है उसके बाद उसके एक स्पेसिफिक पेज को लाएं मेन मेमोरी के अंदर सिर्फ एक पेज लाना पड़ेगा उस टाइम पे हमें राइट ओके तो अब इसके लिए क्या करना है नोट करके लिख लीजिए इंस्टेंट ऑफ बिंगिंग द कंप्लीट पेज टेबल इन टू मेन मेमोरी वी आर गोइंग टू अप्लाई वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ पेज विच इज विच इज गेट बाय अप्लाइंग पेजिंग ऑन पेज टेबल तो हम क्या करने वाले हैं पेजिंग अप्लाई करने वाले हैं किस पे पेज टेबल के ऊपर पेज टेबल के ऊपर पेजिंग अप्लाई करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे देखो हमारी पेज टेबल का साइज क्या है वन एम वर्ड ठीक है तो सिंपली जैसे हम मेमोरी पे करते हैं ऐसे हम पेज टेबल पे करेंगे तो 1 एम वर्ड डिवाइड बाय एक पेज का साइज क्या है 4 किलो वर्ड टू 2 पावर 12 ठीक है और वर्ड है वर्ड से वर्ड कैंसिल हो गया 12 से ये चला जाएगा कितना आ गया 2 पावर 8 तो अब एक मेगा वर्ड लाने के बजाय मैं अब क्या लाऊंगा 2 पावर 8 साइज का मतलब इतनी साइज का इनटू ये क्या है नंबर ऑफ एंट्रीज हो गई जो इस पेज टेबल की एक पेज टेबल बनेगी ठीक है ना पेजिंग अप्लाई करूंगा तो पेज टेबल तो क्रिएट होगी होगी तो इस पेज टेबल के लिए जो पेज टेबल बनेगी कैसे बनेगी वो यहां अज्यूम कर लो ये मैं मिटा रहा हूं इसका कुछ काम नहीं अभी है ये कितना आ इन टू वन वर्ड मतलब वर्ड, तो वर्ड ये कितना गया? पावर एट वर्ड्स ये कितना टू फिफ्टी सिक्स वर्ड्स राइट तो ये हो गया टू फिफ्टी सिक्स वर्ड्स तो अब होगा क्या टू फिफ्टी सिक्स वर्ड साइज तो की एक और पेज टेबल क्रिएट होगी ये क्या है पेज टेबल ऑफ Page table. है और ये किसे डिनोट करेगी इसके हर एक पेज में कितना होगा? को 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 करेगा ना ना हर हर एक एक मतलब इसके अंदर जो pages, pages है, वो हर एक page कितने size को, कितने कर कर रहा है? Four के pages को कर रहा है? है के right? क्योंकि हमने पेजिंग किस पर अप्लाई करी, करी है तो हर एक पेज क्या कैरी करेगा नंबर ऑफ पेजेस कैरी करेगा मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज इन मेन पेज टेबल कैरी करेगा तो इसके अंदर कितनी एंट्रीज होंगी जीरो टू टू पावर एट माइनस वन राइट वन टू ऐसे करते हुए टू पावर एट माइनस वन एंट्रीज होंगी जिसकी हर एक वो लगभग फोर किलो वर्ड्स की फोर किलो वर्ड्स के आपके पेज टेबल को एक्सेस कर रही होगी तो इसका मतलब क्या है हमने क्या करा है पूरी पेज टेबल को किलो वर्ड के सेक्शन में काट दिया है राइट तो हमने हर पूरी पेज टेबल को फोर फोर किलो वर्ड्स के सेक्शन में काट दिया है, ठीक है और हर एक सेक्शन को हर एक सेक्शन को इसका एक पेज डिनोट कर रहा है ओके मतलब इसकी एक पेज एंट्री इसके फोर किलो के एक सेक्शन को डिनोट कर रही है राइट तो अब मैं सिर्फ ये वाली एंट्री एक्सेस करूंगा ना मतलब मान लो मेरे को अगर मान लो अब, को यहां यहां तो अब मेरे को पूरा टू पावर ट्वेंटी क्या लेना पड़ेगा और उसके बाद उसके बाद प्लस होगा मल्टीप्लाई नहीं होगा टू पावर एट एंड एक्सेस करना पड़ेगा प्लस टू पावर ट्वेल्व एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि एक वर्ड एक आपको पेज एक्सेस करना पड़ेगा ना उसका साइज क्या होगा टू पावर ट्वेल्व फोर किलो वर्ड है ना तो टू पावर ट्वेल्व एक्सेस करना पड़ेगा पहले क्या हो रहा था हमें गुना में मतलब मल्टीप्लाई करके टू पावर ट्वेंटी लेकिन अब क्या एक्सेस करना पड़ रहा है पावर पावर प्लस अब इसके अंदर कोई पेज होगा जिससे आप डायरेक्ट जाके अपने फिजिकल मेमोरी के अंदर जाके ट्रांसलेशन परफॉर्म कर लेंगे तो अब मेरे को कितना एक्सेस करना पड़ रहा है टू पावर एट प्लस टू पावर ट्वेल्व ना कि टू पावर एट इन टू टू पावर ट्वेल्व राइट क्योंकि मुझे सब एक्सेस थोड़ी करने पड़ रहे हैं मैं सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट को मेन मेमोरी के अंदर लाऊंगा पूरी पेज टेबल को लाने के बजाय उस स्पेसिफिक एक पेज को लाऊंगा पेज टेबल के अंदर राइट समझ में आया हम क्यों मल्टी लेवल पेजिंग अप्लाई करेंगे एक बार इसको समझ लेते हैं कैसे अप्लाई होती है उसे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तो इसी वाले डाटा को मैं उसमें अपेंड करके दिखाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो राइट ओके तो यहाँ क्या है एल मतलब लॉजिकल एड्रेस कितना है थर्टी टू बिट्स का है और पेज साइज कितना गिवन है फोर किलो वर्ड तो मतलब ट्वेल्व बिट्स तो हो गई आपकी इसकी एल एस की तो ये सिमिलर ट्वेल्व बिट्स किसकी होंगी फिजिकल एड्रेस की सिमिलर होंगी ना तो ये वर्ड ऑफ of... क्योंकि ये तो page offset तो पेज सिमिलर रहता है दोनों के अंदर राइट right? अब यहां कितनी साइज बचा बचाया ट्वेंटी बची ना टू पावर ट्वेंटी कितना टू पावर ट्वेंटी ना नंबर ऑफ पेजेस अब उस नंबर ऑफ पेजेस को मैं डायरेक्टली एक पेज पेज टेबल अप्लाई करने के बजाय दो पेजेस दो पेज टेबल में तोड़ रहा हूं तो यहां ट्वेंटी बिट्स थी ट्वेंटी में टूट गई ठीक है अब यह कैसे पी वन टेबल ठीक है पेज टेबल ऑफ कंप्लीट पेज टेबल ठीक है ये ये वाली जो पेज टेबल है वो ये है पी वन टेबल लेवल वन की पेज टेबल ठीक है पेज टेबल ऑफ पेज टेबल राइट ओके okay. यहां कुछ एंट्री होंगी जीरो वन टू थ्री ऐसे करते 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 टू पावर टेन माइनस वन एंट्रीज होंगी टोटल पेज टेबल में ओके okay. क्योंकि मैंने टेन टेन के रेशियो में तोड़ा है ठीक है मैंने पेज साइज के अकॉर्डिंग नहीं तोड़ा मैंने टेन टेन के रेशियो में तोड़ा इसलिए आ रहा है चाहो तो अब मैं पेज साइज के अकॉर्डिंग भी तोड़ सकता हूं ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो बस एग्जाम्पल जनरल एक्साम्पल ले रहा हूं मैं चलिए मैं पेज साइज के अकॉर्डिंग तोड़ लेता हूँ पी तो टू में टू पावर ट्वेल्व मान लेता हूं एग्जाम्पल से पूरी तरह रिलेट करते हैं यहाँ गए ट्वेल्व बिट यहाँ गए बिट्स ठीक है ट्वेल्व इंटू एट देख लो ट्वेंटी ना प्लस करके ट्वेंटी आना चाहिए और इंटू करके नंबर ऑफ एल एस पूरा कंप्लीट होना चाहिए हाँ पूरा हो रहा है तो क्या होगा यहाँ जीरो माइनस वन राइट तो जीरो टू टू ट्वेंटी फाइव नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी इसमें टू तो, फिफ्टोटल टू तो फिफ्टी सिक्स और हर एक एंट्री हर एक एंट्री हर एक एंट्री के अंदर बेस एड्रेस होगा ध्यान दे ध्यान दो, हर एक एंट्री के अंदर बेस एड्रेस होगा पी टू पेज टेबल का तो राइट जैसे मैं बता रहा हूं यहां सिर्फ एक पेज लाऊंगा मैं सिर्फ एक पेज ब्रिंग करके लाऊंगा मेन मेमोरी में में के अंदर तो क्या होगा हर एक पेज टेबल के अंदर मतलब पी लेवल की हर एक पेज टेबल के अंदर बेस एड्रेस होगा

वो स... फिर तो नॉर्मल पेजिंग अप्लाई होगी कि बेस एड्रेस है है उसके बाद डी क्या है? पेज कैलकुलेट हो के कंबाइन करके सेकेंडरी मेमोरी अंदर जाएगा वहां से डाटा को एक्सेस करेगा डाटा कौन सा हो सकता है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और एक्चुअल डाटा भी हो सकता है प्रोग्राम का राइट ओके वो जरूरी नहीं है मेन क्या है कि हम पूरी पेज टेबल लाने के बजाय हमने पेज टेबल को पेजिस में बांट दिया ठीक है ना देख रहे हो ना आप हर एक पेज टेबल को पूरी पेज टेबल को पेजेस में बांट दिया और अब मैं पूरी पेज टेबल लाने के बजाय स्पेसिफिक एक पेज ला रहा हूं इस पेज एक पेज कितना बड़ा है हमारा टू पावर ट्वेल्व राइट टू पावर ट्वेल्व वर्ड्स का है ना मतलब फोर किलो वर्ड्स का एक पेज तो अब मैं पूरी पेज टेबल लाने के बजाय सिर्फ एक पेज ला रहा हूं मेन मेमोरी के अंदर तो इससे होगा क्या बड़ा मतलब मेमोरी बेटर यूटिलाइज होगी बेटर वे में यूटिलाइज हो सकती है क्योंकि पहले टू पावर ट्वेंटी यूज हो रही थी अब कितना यूज हो रहा है पावर एट प्लस टू पावर ट्वेल्व कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टू पावर ट्वेल्व जो कि बहुत कम है टू पावर ट्वेंटी से अगर मान लो हर एक पेज को एक्सेस करने के लिए या एक्सेस करने के लिए नहीं लोड करने के लिए या फिर वो सब छोड़ो नॉर्मली आपने कितना स्पेस जनरली कितना स्पेस सेव कर लिया राइट right? कितना स्पेस सेव कर लिया आपने टू पावर एट टू पावर एट किलोवर्ट्स का 2 पावर 8 किलोवर्ट्स का स्पेस आपने सेव कर लिया राइट ओके 2 पावर 8 का नहीं ज्यादा का कर लिया क्यों ज्यादा का कर लिया आप समझ रहे होगे एडिशन होगा तो बेस जब एक बार बताओ 2 पावर 8 2 पावर 12 होगा इक्वल इक्विवेलेंट हो किसके होगा लगभग 2 पावर 12 होगा ना राइट right? ओके okay. अब 2 पावर 12 कितने नंबर ऑफ टाइम्स लेना पड़ेगा मुझे पावर ट्वेल्व को अगर मैं नंबर ऑफ टाइम्स लूंगा टू पावर ट्वेल्व इंटू एट नंबर ऑफ टाइम्स लूंगा वो टू पावर एट टाइम्स लूंगा टू पावर ट्वेल्व को अगर टू पावर एट टाइम्स लूंगा तब जाके मेरी एक्चुअल मेमोरी साइज आएगा तो मैंने कितना टू पावर एट माइनस वन इंटू टू पावर एट वन माइनस वन इंटू टू टू पावर ट्वेल्व इतना स्पेस मैंने सेव कर लिया राइट ओके right? okay. तो ये कितना बहुत बड़ा स्पेस हो गया ना ओके, okay? राइट right. तो अब हमारे पास क्या इससे क्या इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या समझा मल्टी लेवल पेजिंग हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि पूरे बड़े साइज की पेज टेबल को लाने के बजाय हम स्लॉट्स के अंदर पेज टेबल लाएं। अब ये जनरल टर्म्स हैं, सिर्फ एक बार पेज टेबल अप्लाई हो सकती है क्या मान लो डाटा की डाटा चेंज हो जाए ठीक है डाटा चेंज हो गए ये जीबी ये के अंदर ना डाटा ये कितना हो गया फोर जीबी तो ना ये फोर जीबी डिवाइड बाय फोर किलोवर्ड्स था अब अज्यूम करो ये होता फोर टीबी राइट ये 42 bits होता कर फोर्टी टू बिट्स होता है ठीक है तो पेस्टेबल साइज कितना बड़ा हो जाता पेस्टेबल साइज कितना होता टू पावर फोर्टी टू डिवाइड बाय टू पावर ट्वेल्व हो गया ना तो कितना आ गया टू पावर थर्टी

फिर एक बार और अप्लाई करूंगा अब किस पे अप्लाई हो रही है ये किस पे अप्लाई हुई थी पेज टेबल पे, पे पेजिंग अप्लाई हुई थी अब फिर पेज... फिर दोबारा जो आउटपुट आया है मतलब ऑन पेज... पेजिंग... पेजिंग पेज टेबल या फिर पेज टेबल ऑफ पेज टेबल ठीक है इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या है टू पावर एटीन क्या है पेज टेबल पो... टू पावर एटीन वर्ड्स मान लेता हूं क्योंकि पेज टेबल एंट्री वर्ड नहीं है उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूं मतलब इसलिए बार बार मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूं इसलिए ना क्या होता मल्टीप्लाई करना पड़ता है पेज पेज टेबल टेबल ऑफ ठीक अगर मैं एक बार और इस पे पेजिंग अप्लाई करूंगा तो वो क्या आ जाएगा यहां भी वर्ड्स था ठीक है ये कितना आ जाएगा टू पावर सिक्स ठीक है पेज टेबल ऑफ पेज टेबल ऑफ पेज टेबल ठीक है पेज टेबल ऑफ पेज टेबल ऑफ पेज टेबल राइट ओके अब जर्नल टर्म्स में एक कंसीडर करते हैं हम जब तक मल्टीलेवल पेजिंग अप्लाई करेंगे हम कब तक मल्टीलेवल पेजिंग अप्लाई करेंगे हम तब तक मल्टीलेवल पेजिंग अप्लाई करेंगे जब तक जो हमारा साइज है पेज टेबल का वो एक पेज के अंदर फिट ना हो जाए जब तक हमारा पेज टेबल साइज है पेज टेबल साइज है वो लेस देन लेस देन इक्वल टू पेज साइज ना हो जाए हम तब तक मल्टीलेवल पेजिंग अप्लाई करेंगे क्यों क्योंकि हम पूरे पेज टेबल को लाने के बजाय एक पेज को लाना ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी करना चाहते हैं मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स का मेन गोल क्या था बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी राइट ओके अब इतनी बड़ी पेज टेबल को आप ला रहे हो आपको एक्सेस करना है सिर्फ एक पेज ठीक है तो सिर्फ होगा क्या एक्सेस फास्ट तो हो जाएगा राइट उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है एक आपके एक्सेस तो फास्ट होगा लेकिन इतनी बड़ी टेबल को लाने से क्या होगा अगर एक बार पूरी बड़ी टेबल आ गई तो कंपैरिजन में एक्सेस फास्ट होगा लेकिन इतनी बड़ी टेबल को लाने से फायदा है क्या नहीं क्योंकि सीरियली अगर आप चेक भी करोगे कंपैरिजन तो परफॉर्म होगा ही ना डायरेक्टली हम तो अब यह बस यहां दिखा रहे ये ये एड्रेस है ये चेक कैसे करेगा कि ये वाला एड्रेस है कंपैरेटर होते हैं ना इसके अंदर भी यहाँ सर्किट होगा ठीक है सर्किट इनेबल होगा जिसके अंदर ये सारे सारे के सारे सारे होंगे और यहाँ आएगा ठीक है उसके बाद जोन सा सेलेक्ट होगा जिसके अंदर भी वो ट्रू होगा मल्टीप्लेक्सर के थ्रू वो वाला एड्रेस एक्सेस होगा राइट ये तो हम जनरली बस दिखा रहे हैं कि ये आया ये वाला एड्रेस है तो यहाँ चला जाएगा

जनरली हम पेज टेबल पेजिंग कब तक अप्लाई करते हैं जब तक तो पेज टेबल साइज आपका पेज साइज के ना हो जाए ठीक है अब इसके अंदर भी परफॉर्मेंस रेशियो आ जाएगा ठीक है ना जैसे हमने पिछले पेज पेजिंग के लिए परफॉर्मेंस देखी थी फिर एक बार में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे लगातार पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ठीक है जैसे हमने पिछले उसके लिए नॉर्मल पेजिंग के लिए परफॉर्मेंस देखी थी परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग देखा था ऐसी परफॉर्मेंस ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग भी आएगा राइट अब मैं सिर्फ मल्टी लेवल पेजिंग में मैं दो लेवल कर करके चल रहा हूँ फिर तीन लेवल भी करूंगा चार लेवल भी करूंगा फिर एक जनरल एन टर्म्स के लिए भी दे दे राइट ओके दो के बाद या के बाद टर्म्स लिए दे दूंगा डायरेक्ट तो अब देखो जनरली सोचो मुझे डायरेक्टली अगर मुझे अगर डायरेक्टली टीएल अप्लाई करना है ठीक है टीएल अप्लाई करूंगा मैं यहां इससे मैं डायरेक्टली कहां जाऊंगा मेन मेमोरी के अंदर अगर मिस हुआ तो कहां जाऊंगा अगर ये तो है ये हुआ यस अगर हिट है अगर मिस है तो यहां जाऊंगा फिर आपका नॉर्मली सीक्वेंसली एक्सेस होगा डाटा ठीक है तो आप बताओ जनरली आप मतलब अगर आपको पिछला वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो आप एक बार जनरली अपने आप वो फॉर्मूला लिखो एक तो नॉर्मल मतलब विदाउट यूजिंग विदाउट यूजिंग एलबी एफिशियंट मेमोरी एक्सेस टाइम लिखो पहले विदाउट यूजिंग विदाउट यूजिंग इफेक्ट मेमोरी एक्सेस टाइम लिखो टीएल जल, जल्दी से मतलब अज्यूम करो टीएलबी नहीं है तो क्या होगा सबसे पहले क्या कर रहे हैं पहले पेज टेबल ऑफ पेज टेबल एंट्री कर रहे हैं वो ये क्या है मेन मेमोरी के अंदर ही होगी राइट right? तो एक मेमोरी एक्सेस

तो वो भी मेन मेमोरी के अंदर एक्सेस होगी तो उसके लिए भी एक एम टाइम लगेगा उसके बाद यहां से वो फ्रेम नंबर लेके कहा जाएगा आप मेन मेमोरी के पास मतलब फिजिकल फिजिकल मेमोरी मेमोरी एड्रेस स्पेस के अंदर जाएगा ठीक है तो एक और एक्सेस लगेगा तो अगर आप दो लेवल ऑफ मेमोरी यूज कर रहे हो मतलब मल्टी लेवल पेजिंग में आपने एक तो सिंगल लेवल पेजिंग हो गई जो हमारी नॉर्मल पेजिंग होती है यह डबल मतलब टू लेवल ऑफ पेजिंग अगर आप टू लेवल ऑफ पेजिंग अप्लाई कर रहे हो टू लेवल ऑफ पेजिंग अप्लाई कर रहे हो तो आपको कितना यूज करना पड़ेगा थ्री एम अगर सिंगल लेवल पेजिंग था सिंगल लेवल था तो टू एम था तो जनरली थर्ड लेवल होगा तो क्या होगा यहाँ एक और पेज टेबल आ जाएगी फिर कितना कॉस्ट लगेगी एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम तो यहां कितना हो जाएगा फोर एम ऐसी करते करते अगर एम लेवल ऑफ पेजिंग है तो कितनी कॉस्ट लगेगी एन प्लस वन मेमोरी टाइम राइट ओके okay. तो ये तो हो गया जनरल आंसर किसके लिए जब टीएल ना हो अब मान लो यूज करना है मुझे तो अब एक एक अज्यूम करके अपने आप ट्राई कीजिए बार फौर, बनाने की ठीक है आपको पता है पता है कैसे यूज करनी है आएगा हिट होगा या मिस होगा कंपैरिजन परफॉर्म हो रहा है ठीक है तो टीएलबी यूज होगा हो ही होगा अगर हिट हुआ तो डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस कर लेगा वरना नॉर्मल पेजिंग अप्लाई करेगा तो एक बार ट्राई करो आप सब ओके मैं ज्यूम करता हूं आप सभी ने ट्राई करा होगा अब मैं लिख देता हूं ठीक है अगर आप सब ट्राई करेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी जहां गलती करी होगी वो याद रहेगा राइट ओके तो अब क्या करना है तो सबसे पहले एक्स क्या है हिट रेशियो है ना एक्स क्या है टीएलबी हिट रेशियो और ये क्या है मेन मेमोरी एक्सिस टाइम मेन मेमोरी एक्सिस टाइम

फिजिकल मेमोरी एक्सेस करने के लिए m ठीक है तो ये क्या होगा x या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं c into, या छोड़िए नॉर्मली लिख लीजिए वो कंफ्यूजन क्रिएट क्यों कर एक बार लिखवा चुका हूं मैं x into c plus m ठीक है m TLB एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस अगर मिस हुआ तो क्या होगा 1 x into, क्या TLB तो एक्सेस करना ही करना पड़ेगा चेक करने के लिए प्लस एम प्लस एम प्लस एम कितना हो गया थ्री एम राइट ओके तो इसे नॉर्मली जनरली क्वेश्चन पूछेगा तो वैल्यूज पुट करना आंसर आ जाएगा ठीक है निकालने के लिए पूछ सकता है या फिर एक फैक्टर जैसे हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन देखा था उसके अंदर क्या गिवन था विदाउट टीएल और विद टीएल हमें वो दे रखा था टाइम दे रखा था और टीएलबी एक्सिस टाइम दे रखा था हिट रेशियो पूछा था या फिर हिट रेशियो दे सकता है टीएल टाइम पूछ सकता है नॉर्मल एक क्वेश्चन है सॉल्व करके आपको आंसर निकालने है। तो ये क्या हो गया परफॉर्मेंस हो गया मल्टी लेवल पेजिंग का अब ये तो है सिंगल लेवल वो टू लेवल पेजिंग अगर आ जाए थ्री लेवल पेजिंग तो फॉर्मूला क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा x इंटू सी प्लस एम प्लस वन माइनस एक्स सी प्लस यहां क्या होगा आप बताइए n प्लस वन एम मतलब